वहीं उत्तराखंड के फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामले में 5 राज्यों में ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी सभी जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है और सूत्रों के माने तो जांच एजेंसी दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, असम, पंजाब के लुधियाना समेत कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून और ऋषिकेश में भी अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी हुई है। वहीं आज देहरादून में फर्जी रजिस्ट्री में शामिल भू माफिया, रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सरकारी वकील और कुछ बिल्डर्स के लोकेशन पर भी ईडी ने छापा मारा। सूत्रों के माने तो आज सुबह करीब 6 बजे देहरादून में 25 गाड़ियों में ईडी की टीम आई थी और अलग अलग लोकेशन पर जाकर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी छापेमारी के दौरान दस्तावेज, कागजात और कई अहम जानकारी जुटा पाई है। बताया भी गया कि छापेमारी देर रात तक चल सकती है और फर्जी रजिस्ट्री मामले में मुख्य 2 आरोपी वकील इमरान और कमल वर्मानी के घर पर भी छापेमारी की गई। कमल वर्मानी को 27 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2022 में फर्जी रजिस्ट्री मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही लगातार 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनको जेल भेजा गया है। दरअसल पूरा मामला क्या था ये भी समझिए और कैसे इसका खुलासा हुआ ये और अहम है। दरअसल 15 जुलाई 2023 की तारीख थी। देहरादून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन संदीप श्रीवास्तव ने एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोपियों की मिली भगत से षड्यंत्र रचकर सब रजिस्ट्रार ऑफिस फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग लैंड सेल डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ की बात कही गई। शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर देहरादून में मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसके बाद SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी निकाली, फिर रिंग रोड से संबंधित 30 से ज्यादा रजिस्ट्रियों की जानकारी जुटाई, साथ ही कई लोगों से पूछताछ की और पूछताछ जांच के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम सामने आए जिनसे पूछताछ करने पर फर्जी वाड़े में शामिल कई लोगों के नाम आए। इसके बाद टीम ने कई संदिग्ध लोगों के बैंक अकाउंट्स खंगाले जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई और इसके अलावा उनके पास कई ऐसे दस्तावेज भी मिले जो रजिस्ट्रार कार्यालय से फर्जी वाड़े के जरिए हासिल किए गए। इसके बाद इसी SIT ने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, मक्खन सिंह, दालचंद, वकील इमरान अहमद, अजय क्षेत्री, रोहताश सिंह, विकास पांडे, कुंवर पाल उर्फ KP, कमल वर्मानी और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद तो परत दर परत फर्जीवाड़े का खुलासा होता चला गया। देहरादून फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस 18 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। 20 से ज्यादा आरोपी जेल में हैं और 2 बड़े वकील भी मामले में आरोपी हैं। भू माफिया जितेंद्र खरबंदा, अजय पुंडीर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों भू माफियाओं पर बिल्डर से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मुकदमे हैं। आरोपियों ने शेल कंपनियां बनाई, धोखाधड़ी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं।